हेलो फ्रेंड्स, रेड कैड एंड कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो, मेरा नाम इजाज़ अहमद है और मैं चैनल पर नए नए प्लान्स और नए नए डिज़ाइन आपको लोगों के लिए डेली लाते रहता हूँ। तो आज भी इस वीडियो में आपको एक अपार्टमेंट का प्लान लाया हूँ, जो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर मैंने ऑलरेडी शो किया है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सेकेंड फ्लोर का भी प्लान शो कर रहा हूँ। तो ये 34x42 का ये प्लान है, ये वेस्ट फेसिंग प्लान है, ये एज पर वास्तु के हिसाब से बने हुआ है। तो उम्मीद है आपको प्लान पसंद आएगा जो आज आपको मैं शो करने वाला हूँ। अगर आपका भी कोई प्लॉट वगैरह इसी डायमेंशन के हिसाब से थोड़ा बहुत छोटा या बड़ा है, तो हिसाब से इस प्लान को आप अपने लिए सेट कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी बढ़िया सा इसको सेट हो गया है। क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे हाफ पोर्शन पार्किंग, हाफ पोर्शन 1 BHK है, और फर्स्ट फ्लोर पे खुद क्लाइंट के लिए रहने के लिए एक बढ़िया सा 2 BHK है, और सेकेंड फ्लोर पे 2 पोर्शन 1 BHK है, जो काफ़ी बढ़िया से सेट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो आज आपको इस वीडियो में आपको ये ग्राउंड से लेके सेकेंड फ्लोर तक का प्लान आपको शो कर देता हूँ मैं। लेकिन मैं इसको ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर शॉर्टली आपको शो करूंगा, उसमें डायमेंशन और आपको क्लियरली नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा दिया है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हो। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाया है आपको। तो चलिए मैं आपको प्लान शो करता हूँ। प्लान शो करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करता है, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो जो भी अपलोड हो वो आपसे मिस ना हो। अगर आपका भी कोई प्लान वगैरह बनाना हो तो मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। प्लॉट की डिटेल्स और रिक्वायरमेंट क्लियरली बता दें तो आने वाले वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं आपका प्लान बना के शो कर दूँगा। पर्सनली प्लान के लिए कुछ थोड़े बहुत चार्जेस है, आप मुझे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। तो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर देखिए, ग्राउंड फ्लोर का प्लान मैं आपको फ्रंट स्क्रीन पर शो ही कर रहा हूँ। फ्रंट साइड 30 फीट की रोड है, यहाँ पे मैंने मेन गेट प्रोवाइड किया है, और यहाँ पोर्शन मैंने पार्किंग ले लिया है, और यहाँ पे मैंने मिडिल में स्टेयरकेस प्रोवाइड किया है, बैक साइड मैंने 1 BHK। तो यहाँ पे हॉल है, किचन है, बेडरूम है, कॉमन WC बात है, और यहाँ पे इसका एंट्रेंस वगैरह इस तरफ मैंने यहाँ पे दो तरफ इसको टोटली प्लॉट को यूज़ किया है, और यहाँ पे इससे 1.5 फीट साइड बैक मैंने इस तरफ लेफ्ट साइड मैंने छोड़ दिया, और वेंटिलेशन के लिए मैंने इस कॉर्नर पे 3x3 का एक मैंने डक प्रोवाइड किया है, जो किचन के लिए ज़रूरी था। तो इसमें मैंने कॉलम भी शो किया है, जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें प्लान में कहाँ पे कॉलम आना चाहिए, तो ये भी मैंने शो किया है। तो अब आपको मैं फर्स्ट फ्लोर का प्लान शो कर देता हूँ। तो ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान है, और इसमें देखिए यहाँ पे स्टेयरकेस से फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद में आपको एक लॉबी लगेगी, जो यहाँ पे ये सिट आउट में डायरेक्टली आपको एंट्रेंस होगा। सिट आउट में आने के बाद में आप बैक साइड यहाँ पे हॉल मैंने सेट किया है, यहाँ पे विंडोज़ वगैरह भी मैंने इस तरफ दिया है, और यहीं पे मैंने किचन, और यहाँ पे किचन काफ़ी बड़ा था तो इसी किचन में मैंने एक कॉर्नर पर डाइनिंग के लिए भी यूज़ किया है इस एरिया को, और यहीं पर मैंने इसका यूटिलिटी भी प्रोवाइड किया है, जो इस तरफ बैक साइड है। यहाँ पे डक वगैरह है, किचन का विंडो वगैरह भी मैंने इस तरफ प्रोवाइड किया है, और इस तरफ डक में भी, और इस तरफ मैंने यहाँ पे 2 बेडरूम सेट किया है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। इस पैसेज में आने के बाद में आपको एक मास्टर बेडरूम लगेगा, एक बेडरूम, एक कॉमन WC बाद, और इसके तरफ मैंने यहाँ पे बालकनी भी फ्रंट साइड प्रोवाइड किया है। उसमें भी कॉलम कहाँ पे है वो आपको शो हो रहे हैं। अब मैं आपको इसका सेकेंड फ्लोर का प्लान शो करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो सेकेंड फ्लोर का प्लान है, स्टेयरकेस से कंटिन्यू से सीधा सेकेंड फ्लोर आने के बाद में आपको एक लॉबी लगेगी, जो 16 फीट 6 इंच, जैसे में 7 फीट 6 इंच की ये लॉबी है, और इस तरफ मैंने यहाँ पे वॉल नहीं ली है, सिर्फ यहाँ पे रेलिंग आएगा। तो इस तरफ से टोटली वेंटिलेशन आपको काफ़ी बढ़िया से मिल जाएगा, इस लॉबी में रोशनी आपको बहुत बढ़िया से मिल जाएगी। तो यहीं पे मैंने बैक साइड का तो जो 1 BHK है एज इट इज़, जो ग्राउंड फ्लोर पे था वही मैंने उसको सेट किया है सेकेंड फ्लोर पे भी, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो एज इट इज़ सेम है। तो इसके डायमेंशन में आप देख रहे होंगे, हॉल का 18 फीट 5 इंच, ऐसे में 10 फीट 9 इंच, और किचन का 9 फीट 8 इंच, ऐसे में 6 फीट 2 इंच का ये किचन, और यहाँ पे छोटा सा यूटिलिटी है, और ये बेडरूम भी सेम एज इट इज़ 13 फीट, ऐसे में 9 फीट का ये बेडरूम, और इसके विंडोज़ वगैरह मैंने इस तरफ प्रोवाइड किया है, किचन का विंडो भी इस तरफ,
हॉल का विंडो भी इस तरफ है, यहाँ पे लेफ्ट साइड फुट साइड बैक मैंने छोड़ दिया था उस तरफ है। और एक कॉमन डब्ल्यू सी बात मैंने इस तरफ भी ले लिया, जो 8 फीट बाय 4 फीट का ये डब्ल्यू सी बात है। इसका वेंटिलेटर मैंने इस तरफ लॉबी की तरफ प्रोवाइड किया है। इस एरिया यहाँ पे थोड़ा सा एरिया बच रहा था, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वार्डरोब भी चाहे तो आप यूज़ कर सकते हो, या भी कुछ शूज़ वगैरह रखने करने के लिए आप उस तरफ रैक्स यूज़ कर सकते हो बना के। अब आते हैं इस तरफ। इस तरफ थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, जो मैंने पहले प्लान में कहीं भी शो नहीं किया है। तो यहाँ पे मैंने इसका मेन डोर प्रोवाइड किया है, जो डायरेक्टली आपको हॉल में आने के लिए एक वे है। तो यहाँ पे आने के बाद सेम एज इट इज़, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मैंने कुछ भी शूज़ वगैरह रखने के लिए रैक्स वगैरह बना सकते हो आप इस तरफ। तो हॉल का डायमेंशन देखिए, 18 फीट 10 इंच और 11 फीट 3 इंच, काफ़ी बढ़िया सा हॉल है आपको ये फ्रंट साइड में। और इसी हॉल में मैंने यहाँ पे डोर भी प्रोवाइड किया है, जो डायरेक्टली आपको बालकनी में आएगा, क्योंकि क्लाइंट फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे ऑफसेट 3.5 से 4 फीट इजीली बालकनी लिया जा सकता है, उस हिसाब से मैंने इसको लिया है। तो यहाँ पे इस हॉल में मैंने 2 विंडो प्रोवाइड किया, जैसे कि फ्रंट साइड में एक लेफ्ट साइड में है। और इस हॉल के पास यहाँ पे और एक आर्च प्रोवाइड किया, जो डायरेक्टली आपको किचन में आएगा। किचन का डायमेंशन देखिए, 12 फीट चेंज, जैसे में 7 फीट का ये काफ़ी बढ़िया सा किचन है। और इस तरफ फ्रंट साइड मैंने यहाँ पे इसका किचन प्लेटफॉर्म लिया है, और यहीं पे फ्रंट साइड मैंने इसका विंडो भी प्रोवाइड किया है। इस कॉर्नर को मैंने सिंक में यूज़ किया है। तो यहाँ पे एक मैंने एक डोर प्रोवाइड किया, जो डायरेक्टली आपको यूटिलिटी में आएगा। तो ये बालकनी भी है और यूटिलिटी भी है। अब थोड़ा बहुत क्या है इसमें, वॉश वगैरह करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे एक डोर है जो हॉल के इस कॉर्नर पे है, तो ये बेडरूम के लिए डोर है। तो ये बेडरूम का डायमेंशन देखिए, 12 फीट 6 इंच, ऐसे में 9 फीट का ये बेडरूम है। अगर ये आप हॉल में इस डोर को शो नहीं करना चाहते, तो ये डोर को आप चाहे तो इस तरफ इनसाइड शिफ्ट कर सकते हो, और इस वार्डरोब को इस साइड। तो आपको हॉल में ये बेडरूम का डोर शो नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैंने इसमें यहाँ पे शो किया है, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लें। तो इसी एरिया के यहाँ बैक साइड मैंने यहाँ पे इसका हैंड वॉश के लिए इस यूज़ किया है। और यहाँ पे देखिए, इस तरफ मैंने कॉमन डब्ल्यू सी बात प्रोवाइड किया है, जो 8 फीट बाय 4 फीट का ये कॉमन डब्ल्यू सी बात है। और यहाँ पे फ्रंट साइड मैंने इसका वेंटिलेटर भी प्रोवाइड किया है, जो काफ़ी बढ़िया सा सेट हो गया है। तो इसमें कहीं भी वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और काफ़ी बढ़िया सा सेट हुआ है। कॉलम भी आप देख रहे होंगे सेम एज इट इज़ मैच हो रहा है, ग्राउंड से लेकर सेकेंड फ्लोर तक एज इट इज़ सेम मैच हो रहा है। तो इसमें ज़रा भी कोई चेंजेस वगैरह नहीं है, बहुत ही बारीक से बारीक डिटेल में मैंने इसमें प्रोवाइड किया है, और काफ़ी बढ़िया सा सेट किया है। तो आपको इसको वेंटिलेशन के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लम्बिंग वर्क के लिए भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो कंटिन्यूसली आपको ग्राउंड फ्लोर पे जाके इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो स्टेयरकेस में यहाँ पे मैंने इसका विंडो प्रोवाइड किया है इस डक में, क्योंकि ये बैक साइड टोटली यूज़ है। तो ये प्लान में ऑलरेडी ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड और टोटली इसको कंप्लीट करके शो कर दिया हूँ। और ये G+2 था प्लान, तो क्लाइंट के लिए मैंने बनाया था, जो आज आपको मैं शो कर दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्लान ज़रूर पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो अब तक पहुँच सके। अगर आप कोई भी प्लान अगर यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो, तो मेरी यूट्यूब चैनल पे जाके ज़रूर सर्च करें। मैंने काफ़ी सारे प्लान्स वगैरह बना के अपलोड किया है एज़ पर क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो कोई ना कोई प्लान आपको ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि काफ़ी सारे कैटेगरी मैंने उसमें बना के वीडियो बना के आपके लिए अपलोड किया है। तो ज़रूर एक बार देख लें, और पसंद है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो बस आपको मैं यही बताना था कि ये ग्राउंड से सेकंड तक जो मैंने बनाया वो आपको टोटली शो किया है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्लान के साथ, कुछ नए डिटेल के साथ। तभी के लिए बस इतना ही। तो चलिए, खुदा हाफिज़।